शाम 6 बजे की 6 स्पेशल खबरों में सबसे पहली खबर दिल्ली की दिखाएंगे किस तरह से सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रहे एपी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली के असली आम आदमियों ने सबक सिखाया। दूसरी खबर पाकिस्तान की है। ये खबर आपको अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत को गलत साबित करने वाली है। आप अभी पुल उतर कर आई हो। तीसरी खबर आईसिस के कायर आतंकियों की है। मौत से खेल खेलने वालों के सिर पर जब मौत नाचती है तो कैसे दुम दबाकर निकल भागने की कोशिश करते हैं दिखाएंगे। शाम 6 बजे की चौथी खबर ब्रिटेन में जाम की है। ब्रिटेन से फ्रांस जा रहे लोग सिक्योरिटी चेक के नाम पर 15 घंटों से भी ज्यादा जाम में फंसे रहे। क्यों ऐसा हुआ, जाम की वजह को लेकर क्या कहा जा रहा है बताएंगे। पांचवी खबर कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई है। गुजरात के राजकोट में कुछ लोग एक भीड़भाड़ वाली जगह पर हाथ में खुलेआम तलवार से एक दुकान पर हमला करते दिखाई दे रहे हैं। शाम 6 बजे की आखिरी खबर गुजरात की है। कच्छ में एक ट्रैक्टर पलट गया, ट्रैक्टर चालक पहिए के नीचे फंस गया, ट्रैक्टर को जेसीबी मशीन से उठाया गया तो लोगों ने जो देखा हैरान रह गए। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोग परेशान ना हो, लोगों को कोई समस्या ना हो, किसी भी सरकार की यही जिम्मेदारी होती है। लेकिन शायद दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखती है। आम आदमी पार्टी की सरकार और आम आदमी पार्टी के लोगों को सिर्फ अपना हित ही सर्वोपरि नजर आता है। दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया था, जिसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज दिल्ली में जाम लगा दिया। इस पर लोगों का गुस्सा भी फूट पड़ा। रोड ब्लॉक करेंगे और निकलने के लिए भी निकलने नहीं दे रहे। पब्लिक जब अपने पर आती है तो किसी को भी सबक सिखा देती है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को पब्लिक ने आईना दिखा दिया है। जो काम दिल्ली पुलिस को करना चाहिए था, मजबूरन आम लोगों को करना पड़ा। महिला से बदसलूकी मामले में विधायक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी के विरोध में एएपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे। बदरपुर नोएडा बॉर्डर पर एएपी के विरोध में प्रदर्शन की वजह से जाम लग गया। काफी देर तक एएपी कार्यकर्ता सड़क पर ड्रामा करते रहे, लेकिन इन्हें ना आम लोगों की फिक्र थी और ना ही जाम में फंसे मरीजों की। लोगों का कहना है कि एपी का ना आम लोगों से कोई लेना देना है और ना ही आम लोगों की परेशानियों से कोई मतलब है। ढूंढना भी नहीं है क्या? इस तरीके से एमएलए को ढूंढेंगे ये लोग? हॉस्पिटल जा रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल जा रहे हैं? जेपी में। अच्छा, नोएडा। किस चीज के पेशेंट है आप? ऑन्कोलॉजी कैंसर के पेशेंट है, लीवर कैंसर के पेशेंट है। इस तरीके से रोड ब्लॉक करेंगे और निकलने के लिए भी निकलने नहीं दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी को परेशान मत करो, जगह बना रखी है, झगड़ा मत करो भैया। आम आदमी को निकलने दो, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, परेशान हो रहे हैं, हर आदमी परेशान है। विधायक पर महिला से बदसलूकी का आरोप है। विधायक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप गलत है या सही, कोर्ट में साबित हो जाएगा। लेकिन इसका खामियाजा आम लोग क्यों भुगते हैं? राजू राज, जी मीडिया। दिल्ली की सड़कों पर वैसे ही बहुत जाम होता है और ये एक तस्वीर थी जो आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसकी सरकार दिल्ली में, उसी के कार्यकर्ता सड़क को जाम कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब आपको पाकिस्तान के रिपोर्टर की एक ऐसी रिपोर्टिंग दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जानवर ज्यादा समझदार हैं या फिर इंसान।
आपने भैंसों पर कई रिपोर्ट्स देखी होंगी, लेकिन इस बार भैंस पर जो रिपोर्टिंग पाकिस्तान में हुई है वो आपने कभी नहीं देखी होगी, ये दावा है। आप अभी पुल उतर कर आई हो, ये काम आसान लगा है या मुश्किल? ये गाय शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियां चढ़ना या सीढ़ियां उतरना आसान नहीं, मुश्किल काम है। भैंस ने रिपोर्टर के सवालों को कितना समझा ये तो भैंस जाने, या फिर जवाब का मतलब समझाने वाले रिपोर्टर साहब। शायद ये कहने की कोशिश कर रही है कि किसी भी जानवर के लिए सीढ़ियां चढ़ना या सीढ़ियां उतरना आसान नहीं। लेकिन ये दावे के साथ कहा जा सकता है कि किसी भैंस का इंटरव्यू शर्तिया आपने पहली बार देखा और सुना होगा। भैंस का इंटरव्यू लेने वाले जनाब से भी आपको परिचित करा दे, ये जनाब पाकिस्तान के जियो न्यूज के पत्रकार अमीन असीद साहब। अमीन असीद साहब की ये कॉमेडी वाली रिपोर्टिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जरूर कहेंगे कि अक्ल बड़ी या भैंस वाली कहावत का मतलब बदलने का अब वक्त आ गया है। भैंस अब मूर्ख या मोटी बुद्धि की पहचान कहे जाने की हकदार नहीं रही। मोटी बुद्धि किसकी है और बुद्धिमान कौन है, इन दो वीडियो को देखिए। भैंस और गाय सड़क पार करने के लिए फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल कर रही हैं, और जिनके लिए ये बनाया जाता है जान जोखिम में डालकर सड़क पार करते हैं। ट्रक क्रॉस करने लगे डर लगता है, फिर घर भी जाना है, हमें जल्दी बहुत होती है, हम ऐसे ही ट्रक पार कर देते हैं। आदत पड़ गई है, इधर उलंघन टपन दी। लाहौर की गायें भैंसों का कहना है कि ओवरहेड ब्रिज के जरिए सड़क पार करना मुश्किल तो है, लेकिन अब उन्हें इस काम की आदत सी हो गई है। लाहौर के महमूद बुटी इलाके में रिंग रोड पर ये फुट ओवर ब्रिज बना है, लोग सुरक्षित सड़क को पार कर सके इसलिए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कराया जाता है, लेकिन शायद इंसानों से ज्यादा समझदार ये जानवर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वो कहावत आपने सुनी होगी, जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की ओर भागता है, या शेर की खाल में गीदड़। ये कहावतें आईएसएस पर सटीक बैठ रही हैं। आईएसएस के आतंकी जान बचाने के लिए क्या क्या तरीके अपना रहे हैं, अब तो पूरी रिपोर्ट दिखा दें। वो कातिल है, लेकिन खुद मौत के आगे भीगी बिल्ली बन जाते हैं। वो खून की नदियां बहाते हैं, लेकिन मौत से सामना होने पर नकाब पहनकर भागते हैं। डरपोक बगदादी के कायर आतंकियों की यही असलियत है। आईएसआईएस खुद को बेखौफ दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत में ये बुजदिल है। उत्तरी इराक में महिलाओं के बीच में छिपकर निकल रहे कुछ संदिग्ध कदमों को जब सैनिकों ने रोका तो जो चेहरा सामने देखा दुनिया भौचक्की रह गई। नकाब के पीछे छिपे ये चेहरे आईएसआईएस के खूंखार कहे जाने वाले आतंकियों की थे। इराकी सेना ने शक के आधार पर एक नकाब वाली महिला को रोका, नकाब हटाया तो पुरुष नजर आया। इराकी सैनिकों ने महिलाओं की आड़ में छिपे आतंकियों की तलाशी ली तो कायरों की पूरी जमात दिख गई। ये बगदादी के वो लड़ाके थे जिनको बंधकों को जिंदा जलाने में मजा आता है। मासूम लड़कियों को सेक्स स्लेव बनाना, सरेआम बीच चौराहे पर गर्दन काटना इनके लिए खेल था, लेकिन जब मौत अपने सिर पर नाची तो नकाब में छिपकर जान बचाते हैं।
वीडियो कब का है ये पता नहीं चल पाया है, लेकिन आईएसआईएस के कायरपन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इराक के ज्यादातर बड़े शहरों से आईएसआईएस का सफाया हो चुका है। इराकी और संयुक्त सेना के सैनिकों से बचने के लिए आईएसआईएस के आतंकी महिलाओं के कपड़े पहनकर भागकर अपनी जान बचा रहे हैं। दूसरों की मौत पर ठहाके लगाने वाले बगदादी के बुजदिल लड़ाके अब अपनी जिंदगी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।